मैडम जी आज थोड़े तो नए हो तो ठीक है ना, ऐसा बैठो ना साइड में, ये रहा ना ज्योति ज्योति और थोड़ा आपको क्लोज आ जाइए, हम तो क्लोज है काफी सर, और कितना है यस आज स्क्रीनिंग है और जितना हम लोगों ने जो 2014-15 से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं आज फाइनली सब देख रहे हैं और आज जो तो 2014 से इन लोगों ने स्क्रिप्ट पे काम किया, 2015 में मैंने ज्वाइन किया इनको और उसके बाद इन्होंने किया, अब 17 में हम सब मिलके आपके साथ फिल्म को लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब अंदर उथल पुथल मची है और मतलब समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि आज मेरे भी पीरियड आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो लड़कों के भी पीरियड आएंगे, ये बात हो सकता है, पीएमएस कर सकते हैं, पीएमएस तो हम भी कर सकते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस जो है मर्दों को भी हो सकता है, ये प्री मूवी स्ट्रेस है, पीएमएस हो गया आज, पीएमएस कर रहे हैं सारे के सारे मर्द, ये तो आज से मैं रोज बोलेंगे राइट, हां अच्छा है ना, बहुत अच्छा है दीदी, प्री मूवी स्ट्रेस, प्री मूवी स्ट्रेस। ज्योति जी आप बताइए, क्योंकि अब दो ही दिन और बाकी रह गए फिल्म को रिलीज होने से, 14 15 16 का मैथ्स तो मेरा काफी अच्छा, वैसे कैलकुलेट तो मतलब एक साल से करती आ रही हूं, पर ये है कि हाँ मतलब एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है यार, आई होप कि लोगों को पसंद आया यार, मतलब बड़े दिल से बनाई है पिक्चर एंड बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है, आई होप पहुँचे और प्यारा लगे। ओके, ज्योति यार मेरी फैमिली में मेरे मॉम हैं और वो रहते बहुत दूर हैं, लेकिन वो चंडीगढ़ में फिल्म लग रही है तो वो ऑब्वियसली चंडीगढ़ ज़रूर जा रहे हैं 16 तारीख को और वो फिल्म देख के आ रहे हैं, हाँ वो आस पास की सारी आंटियाँ वंटियाँ होती हैं सबको लेके जा रहे हैं। नहीं हर चीज़ को हम पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि अब हमने तो बना दी अपनी चीज़, सबको पसंद आती है, अब मेन जो है वो जो जिन लोगों को दिखा रहे हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग्स रखी हैं, अब उन्हीं से असली ऑडियंस तो वही हमारी। मैं शुक्र गुजार तो इन सबका बहुत, क्योंकि एक प्रोड्यूसर अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी डायरेक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसे दिखाए उसको, एक्ट्रेस पे डिपेंड करता है कैसे एक्ट करें, तो यस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया, आई एम हैप्पी, बाकी लेट्स सी कि ऑडियंस को कैसा पसंद आता है, बाय द एंड ऑफ इट वही क्या कहते हैं जनता जनार्दन राइट, वही भगवान है, वही भगवान है वो हमारा दर्द समझे और जाके थोड़ा हेल्प करे हमें। थैंक यू। और मतलब कौन कौन आने वाला है आज आप लोग की तरफ से या किन की तरफ? आज जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आएंगे आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा देर नहीं रहेगी ये, बस और आधा है पौना घंटा, वैसे फ्रेंड्स ही हैं ज़्यादातर जो आ रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। कुछ विजुअल ले रहा एक वो कट के बैग लाया मैं,
बहुत मुझे तो बहुत पसंद आई. मैं मतलब बिना एक्सपेक्टेशन के गया था कि क्या सॉरी आपको नहीं इज़ गुड ओके हाँ फिर से करते हैं हाँ पूछ लीजिए. तो फिल्म तो मुझे बहुत मतलब मज़ेदार लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और शुरू में जब मैं पढ़ा कि ये इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज है विच इज़ अमेजिंग इट्स अ मूविंग फील गुड फिल्म एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू टेक फ्रॉम द फिल्म. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो हमारे देश तो वैसे भी यू नो 80% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर फ्रॉम विलेज. और वहाँ मुझे भी पता है मैं गांव से मतलब यू नो गांव छोटा जब था मैं गांव में रहा हूँ. तो ये जो चीज़ें दिखाई गई है जिस बारे में बात किया जा रहा है पीरियड्स को लेके जितना छुपा इन लोग अंधविश्वास में भी हैं और छुपाते भी हैं. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा और मैसेज देगा लोगों को. और आई लाइक द फिल्म एन्जॉय इट. सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो यू नो मोस्ट ऑफ द कंट्री के जो पॉपुलेशन है उनके उनको बताया जा रहा है. बट फॉर अ सेकेंड इन द फिल्म थ्रू आउट द फिल्म व्हेन यू आर वॉचिंग द फिल्म यू नेवर रियलाइज दैट द मैसेज इज रिची. एंड इट्स ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री है. यू एन्जॉय द फिल्म थ्रू आउट एंड यू नो आप जब हाँ और बाहर जब आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज और बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों को एजुकेट कर रहा है. थैंक यू. Thank you.
स्पेशली शारे भाई जब भी किसी फिल्म में होते हैं 99% फिल्म रेलिवेंट ही होती हैं, बहुत रियल होती हैं, बहुत ऑर्गेनिक होती हैं. आई डोंट नो हाउ ही मैनेजेस टू कैच होल्ड ऑफ दीज रोल्स जो बहुत ज़्यादा यू नो नेचुरल और क्लोजर टू लाइफ होते हैं. एंड आई रियली वॉन्ट टू डू स्टफ व्हिच ही इज डूइंग. आई एनवी हिम. आपसे भी काफ़ी लोगों की उम्मीदें बन गई हैं, आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसके बाद में इन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश में लगे हैं. हाँ, वेल, प्रेशर तो होता है जब आप अपना करियर स्टार्ट करें बहुत बड़ी फिल्म के साथ. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू टेक इट इजी. एंड जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ. आई एम नॉट यू नो प्लानिंग थिंग्स, सो आई विल जस्ट आप कॉमेडी करेंगे? हाँ यार, आई डोंट नो, जो कुछ भी जो जो अच्छी चीज़ें सामने आएंगी, जो अच्छी जो अच्छे लोग सामने आएंगे उनके साथ काम करना है, दैट्स अबाउट इट. सोनी पे आपने होस्ट किया एक शो मिस्टर सलमान खान के साथ, और वो कैसा नो 2 घंटे का शो है शायद, और मिस्टर सुनील ग्रोवर वगैरह सबको लेके आए आप. पूरे देश भर में सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान है, यू नो वो उनकी ऑरा से पता लगता है कि ये सलमान खान है, उनकी आंखों से ऐसा लगता है वो सामने आते हैं, हवाएं चल रही हैं. सो आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर दैट इज वेल, लेकिन उनके साथ शूट करने में जो मज़ा आया है, मैं और वो दोनों हंस हंस के आंखों से आंसू आ गए थे. एंड सुनील ग्रोवर, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स वी हैव इन आवर कंट्री. कोई एक ऐसा इंसान पूरी इंडस्ट्री में अगर आप मुझे बता दें सुनील ग्रोवर के अलावा जो स्टेज अकेला संभाल सकता है 2-3 घंटे तक, मेरे दिमाग में और किसी का नाम नहीं आता. इट्स ओनली सुनील भाई. आई हैव नोन हिम फॉर 15 ईयर्स नाउ. ही इज़ रियली क्लोज टू माई फादर इज़ वेल. तो मैं उनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करता हूँ. आई डिड दैट शो ओनली फॉर सलमान भाई एंड सुनील भाई. 18 जून को क्या देखने को मिलेगा हमें, मतलब थोड़ा अगर रूपरेखा बताएं आप. 18 जून को आपको बस ट्यूबलाइट होगी हर जगह, वेर एवर वी कम. शो के अंदर क्या क्या है? उस शो के अंदर बहुत कुछ है. उस शो के अंदर सुनील ग्रोवर, यार ऐसे बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा. एक ट्रेलर ऑफकोर्स, अली अजगर, सुनील भाई एंड देन भोसले साहब सब इकट्ठे होके बहुत सारे मस्ती कर रहे हैं. सुगंधा भी है बीच में, वही उनका नाम लेने वाला था. एंड साथ में सलमान भाई हैं, सोहेल भाई साथ में हैं. तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर गुलाटी जाने अनजाने में कर जाते हैं और हमें इतना ज़्यादा हंसा देते हैं दैट इट्स अनरियल टू बिलीव दैट कि इतना कमाल की कॉमिक टाइमिंग किसी की कैसे हो सकती है. तो कुछ ड्रामेबाजी वहाँ होने वाली है एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप सबको भी देख के मज़ा आएगा. सबसे बड़ी बात है मतलब आई एम गोइंग लाइक ऑन पैरेलल ट्रैक, कपिल शर्मा के शो से इस बार ये शो पे सलमान आए, तो दैट मेक्स दिस शो ऑल और बिगर. वेल देखो,
सलमान भाई जिस शो पे हैं वो शो बड़ा है ही है, और आई थिंक कपिल भाई एंड सुनील भाई बोथ आर रियली टैलेंटेड पीपल, और दोनों में मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है बैक इन द डे. उन्होंने दोनों ने एक साथ भी हंसाया है, आई एम टोटली श्योर कि जब वो अलग 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 प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब भी हमें उतने ही हंसाएंगे. तो हम तो एज ऑडियंस हंसने के लिए बैठे हैं. सो पता चला है कि कोई नया शो शुरू कर रहे हैं सुनील? आई हैव नो आईडिया एट ऑल, आई हैव नो आईडिया एट ऑल. इतने सारे दो घंटे में कुछ तो बता के जाइए, ऐसा क्या न्यूज में भी आ हाँ जल्दी आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, शायद कुछ आने वाला है. आप भी हैं उसमें? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ. मैं उस शो में सिर्फ इसलिए था क्योंकि सलमान भाई वहाँ पे थे, ट्यूबलाइट को लॉन्च करने था, प्रमोट करना था साथ में. तो मुझे लगा कि ये सब लोग बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है, सुनील भाई सलमान भाई, यू नो अली असगर, एवरी वन, सोहेल भाई, दे गेटिंग टुगेदर. एंड मुझे उन्होंने बोला कि शो होस्ट करेंगे आप. मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, सलमान भाई को कौन ना बोल सकता है. वेल ऐसी देर आर कपल ऑफ स्क्रिप्ट आई एम रीडिंग एंड थैंकफुली आई एम इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि मैं इन दो तीन में से क्या करूँ. एक अगर चुननी हो तो बहुत जल्द आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये स्क्रिप्ट करनी है. तो मैं रीड कर रहा हूँ, भैया से पूछ रहा हूँ कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, एंड आस पास एक दो फ्रेंड्स और हैं जिनसे डिस्कस कर रहा हूँ. सो एज एंड व्हेन थिंग्स गेट सॉर्टेड सबसे पहले शान भाई आपको बताऊँगा. सॉरी हाँ, ऐसा कमी होता है. जो टी शर्ट उनको पसंद आती है वही मुझे आती है, और तो जो जो उनको पसंद आता है वो मुझे पसंद आता है. थैंक यू सो मच.